फौजी मर रही, आज वो माँ भारत माँ का लाल मर रहा। आज भारत माँ का लाल के ऊपर क्या हो रहा है? ये सबका लाल है। जो इसको असली माँ को पूछो, उसकी आत्मा को पूछो, अब दूसरे की माँ को दिल में अटैक हो रहा। जनता बदला लेंगे, बदला कब? ये तो हमेशा बोलता ही रहता मोदी, तो हमेशा बोलता मैं कभी इनका ही लूंगा, कभी ये लूंगा, कभी ये। आज तक क्या एक्शन नहीं ली? एक जो भूमिरा जो चीफ मर गया उसकी कोई एक्शन नहीं हुई। आज उम्र 44 जवान मर गया उसकी कोई एक्शन नहीं हुई। आतंकवादी खत्म हो गया और ये कहीं जो आतंकवाद नहीं है। जब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके गांव हरियाणा के अंदर गुड़गांव में एक शेर सिंह वाल्मीकि की हत्या हो जाती है, उनके परिवार वालों को, एक छोटी सी बच्ची को खींचा जाता है, उसकी टी शर्ट पकड़ी जाती है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्य थे। बीजेपी सरकार के तमाम नेताओं पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? अब तो बात मनोहर लाल खट्टर में पहुंच चुकी है कि आखिर कैसे जो है यहां पर लोगों को मारा जा रहा, लोगों के साथ अपराध किया जा रहा है और बीजेपी सरकार के तमाम नेता जो है शांत बैठे हैं। पहले एन वीरेंद्र सिंह को घेरा गया, अब मनोहर लाल खट्टर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार फेल साबित होती हुई नजर आ रही है। क्या भाजपा सरकार इस पर काम कर पाएगी? 24 के चुनाव के पहले पहले हर एक राज जरूरी है भाजपा सरकार के लिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव तोमर, मैं यूपी उत्तर प्रदेश से हूं, जिला उपाध्यक्ष प्रभारी। क्या क्या कहना चाहते हैं आप, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। एक गरीब मजदूर अपनी तनख्वाह मांगने जाता है कंपनी के अंदर, एक मालिक और दूसरा जो कर्मचारी है उसकी, जो मजदूरों की हत्या कर दी जाती है, गोलियों से भूज दिया जाता है। मैं आज पूछना चाहता हूँ उस मजदूरों को, ये इनको आरोपियों का सपोर्ट करते हैं ये जो मनोहर लाल खट्टर जी। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से कहते हैं, ये बोलते हैं आतंकवादी खत्म हो गया और ये कहीं जो आतंकवाद नहीं है। जब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके गांव हरियाणा के अंदर गुड़गांव में एक शेर सिंह वाल्मीकि की हत्या हो जाती है, उनके परिवार वालों को, एक छोटी सी बच्ची को खींचा जाता है, उसकी टी शर्ट पकड़ी जाती है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्य थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो वाल्मीकि जो समाज है उस पर इन्होंने हत्या कर दी गई। इन्होंने जो आरोपी है उसको अभी तक वो फरार है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। क्या वो, मैं पूछना चाहता हूँ, ये बेशरम सरकार, डबल इंजन की सरकार है, क्या आरोपियों को अरेस्ट कर पाएगी? बताइए, आज 20वां दिन हो चुका है, जो डॉक्टर ऋतु जी जनता विश्वविद्यालय के सड़कों पर बैठी हैं, और डॉक्टर सविता राय जो कि दौलत राम यूनिवर्सिटी की जो प्रिंसिपल बोला जाती है, आज वो उन्होंने एक मानसिकता और धर्म के ऊपर आरोप उठाया है। उन्होंने जात धर्म के ऊपर बात उठाते हैं ये लोग। और मैं कहना चाहता हूँ, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा उन्होंने केस दर्ज किया गया, 4 धारा लगाई, उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, जब वो अपनी तरफ से काम नहीं कर रही, क्या कर रही है? आज 20वां दिन हो चुका है, बेटियों को जिन इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने नारा लगाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज वही जगह इसी जगह थी ना, यहाँ बेटी पहलवान, वही नरेंद्र मोदी बोलते थे। आज हरियाणा की बेटी नहीं, एक मेरी घर की बेटी है, आज वही घर की बेटी के साथ फोटो खींचा जाता है, चाय पी जाती है, आज वही यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर उनको पीटा जाता, खींचा जाता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, बढ़ा दिया इन लोगों ने। आप देख लीजिए, डीसीपी मेजर कर्नल इन तीनों की जो है, इन्होंने आतंक फैला दिया, इन्होंने हत्या करवा दी, हमारे 3 जवान शहीद हो गए, क्या नरेंद्र मोदी उन पर एक लफ्ज नहीं बोला, उन पर एक ट्वीट नहीं लिखा, उनके परिवार वालों से नहीं बोल मिलने गए? दुख तो जताया है, क्या जिताया है, क्या जिताया है? मणिपुर में कोई दुख जिताया है क्या? मणिपुर में कोई दुख जिताया है? एक मणिपुर 2 बेटियों को बिना वस्त्र घुमाया जाता है, बताइए क्या वो परिवार में, वो देश में नहीं है मणिपुर? जब मणिपुर जल रहा था तो अमेरिका पहुंच गए रिश्ता बनाने के लिए। जो बेटी होती है ना, देश का शान होता है, देश की मान होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तुम कहां है? ये जुमला नारा था इनका, ये प्रधानमंत्री का जुमला नारा था,
और मैं आज कह रहा हूँ 700 किसानों की जान ले ली इन्हें भारतीय जनता पार्टी। पूछेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा दिया, कह रहे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं। एक बात सुनो भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी पढ़ भी रही नहीं है और बेटी पट रही है मोदी के राज में, ठीक है, मोदी के राज में। कैसा लगता है आपको कि क्या भाजपा सरकार काम कर रही है? कोई सरकार को कोई मतलब नहीं, अनुभव नहीं भाई, ना बेटी पट रही ना बेटी ना पढ़ रही ना पट रही है, बेटी पट रही है पढ़ नहीं रही है, बेटी के ऊपर अटैक हो रहा, सब चीज अटैक हो रहा भाई। एक बात सुन, कौन कर रहा है? अटैक है पंडित को करवा रहे, ये आपस में एक दूसरे। आज मेरे फौजी का क्या हाल है? फौजी को बात करो ना, मरे वही फौजी मर रही, आज वो माँ भारत माँ का लाल मर रहा, आज भारत माँ का लाल के ऊपर क्या हो रहा है? ये सबका लाल है, जो उसको असली माँ को पूछो, उसकी आत्मा को पूछो, अब दूसरे की माँ को दिल में अटैक हो रहा। जरूर बदला लेंगे, बदला कब? ये तो हमेशा बोलता ही रहता मोदी, तो हमेशा बोलता मैं कभी इनका ही लूंगा, कभी ये लूंगा, कभी ये। आज तक क्या एक्शन नहीं ली? एक जो भूमेश जो चीफ मर गया उसकी कोई एक्शन नहीं हुई, आज उमेश 44 जवान मर गया उसकी कोई एक्शन नहीं हुई, आज तक उमेश जो 24 और मर गए उसकी एक्शन नहीं हुई, आज उमेश 3 मर गए उसकी एक्शन, वो तो खाली एक्शन का बहाना लेकर जनता को बेवकूफ बनाता। जनता तो मोदी को बहुत पसंद कर रही है भाई, करे ना करे, करे ना करे हम नहीं जानते, पर हमको हमारे फौजी का हिसाब, फौजी को अटैक नहीं होना चाहिए, एक पुलिस एक फौजी ये दोनों अटैक हो रही, फौजी भी अटैक हो रही पुलिस भी अटैक हो रही। कैसे बंद होंगे? हाँ अभी अटैक तू भी जानो, तुम नेता ही करवा रहे सारे, अभी G20 करी तो चीन वाले को अंदर नाटक करा, तुमने को G20 करे, राम मंदिर करना, कुछ करना एक मिनट सर, कुछ करना कौन से प्रोग्राम आए हो? हम कोई प्रोग्राम नहीं, हम कपड़े बेचते आते।